हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी रेसिपी है सबकी फेवरेट जलेबी। आज मैं ये जलेबी ओवरनाइट फर्मेंटेशन से बनाऊंगी, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट जलेबी बनानी है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपके साथ अपनी इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। कुछ लोग इस रेसिपी को सिर्फ इस डर से ही नहीं बनाते कि वो परफेक्ट नहीं बनेगी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आइए मैं आपका ये डर ख़त्म कर देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ हाफ कप मैदा ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून बेसन डालूँगी, 1/4 टीस्पून ईस्ट डालूँगी और 1/3 कप पानी से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका बैटर बना के इसको ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप इसके बदले 2 टीस्पून दही भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जलेबी के लिए चाशनी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने 1 कप शुगर लिया है, उसमें 3/4 कप पानी डाला है। हमारी चाशनी में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें 1/2 नींबू का रस डालूंगी। नींबू का रस डालने से शुगर में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं। अगर शुगर पे इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो झाग बन के ऊपर आ जाता है, हमें बस वो झाग निकालना होता है। अब मैंने यहाँ इसमें केसर डाला है, थोड़ा सा येलो कलर डाला है। येलो कलर से जलेबी का जो रंग होता है वो बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसे एक तार की चाशनी बनाऊँगी। ये देखिए, ये एक तार बन रहा है, तो मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए, हमारे जलेबी का बैटर फर्मेंट हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालूँगी और इस बैटर को अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके बाद मैं 1.5 टीस्पून मैदा डालूँगी और इस बैटर को फिर से मिक्स करूँगी। अब ये देखिए, हमारा बैटर यहाँ रेडी है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे पाइपिंग बैग में। ये मैंने इसको कट कर लिया है। यहाँ मैंने एक फ्लैट पैन लिया है, इसमें मैंने घी गरम कर लिया है। अब मैं इसमें जलेबियाँ बनाऊँगी। जलेबियाँ बनाने के लिए हमें फ्लैट पैन का ही यूज़ करना है और इसमें घी जितना मैंने रखा है आप भी इतना ही रखिएगा। जलेबी तलने के लिए घी का जो टेम्परेचर होता है वो मीडियम टू लो होना चाहिए। अगर आप इसे हाई पे बनाएंगे तो आपकी जलेबियाँ प्रॉपर नहीं बनेंगी। ये देखिए, अब ये जलेबी दोनों तरफ से सिक गई हैं। अब मैं इन्हें चाशनी में डालूँगी। और जलेबी बनाने का सबसे बड़ा ट्रिक ये होता है कि जैसे ही आप उसे घी से निकालें आप उसको चाशनी में डिप कर दें। आप उसे निकाल के रख देंगे तो वो जो चाशनी है वो प्रॉपर सोक नहीं करेगा। अब मैं यहाँ बाकी बची हुई जलेबियाँ भी बना लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारी जलेबियाँ तैयार हो गई हैं। आप भी अगर इस रेसिपी से जलेबी बनाते हैं तो आई एम श्योर आपकी जलेबियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करिए।